दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। तीन जिलों सिरमौर, शिमला, सोलन के आराध्य देव शिरगुल महाराज के दर्शन को आजकल भारी तादाद में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हालात ये हैं कि नौहराधार में होटल, विश्राम गृह व पार्किंग की कमी आ रही है। पर्यटकों के आगमन पर नौहराधार में आजकल काफी चहल पहल देखी जा रही है। चूड़धार की चढ़ाई वीकेंड के दिन सबसे ज्यादा की जा रही है। चूड़धार में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही श्रद्धालु शिरगुल महाराज के दर्शन कर सकते हैं। ऐसे में बाहरी राज्य के यात्री नौहराधार व चूड़धार के बीच ही टेंट लगाकर विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि बाहरी राज्य के मैदानी क्षेत्रों के लोग एक दिन में चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। यात्री जहां रमणीय स्थल का आनंद उठा रहे हैं, वहीं रात भर टेंट के बाहर ठंड से बचने के लिए अलाव जलाकर गिटार व ढोलक से खूब आनंद उठा रहे हैं। पर्यटकों की आमद देख सरकार व पर्यटन विभाग ने नौहराधार चूड़धार को विकसित करने के लिए 3.5 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है, जिससे पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मेरा नाम पूजा है और मैं शिमला में ही डॉक्टर हूँ। तो मेरा एक क्लिनिक है हेयर ट्रांसप्लांट का। सो बहुत ही हेक्टिक स्केड्यूल रहता है, तो हम सब फ्रेंड्स ने मिलके एक ट्रिप प्लान किया था और आज 3 दिन के आउटिंग के बाद हम सब बिल्कुल रिफ्रेश्ड हैं। सो हम यहाँ पे परसों आए थे और दो नाइट्स का हमारा स्टे था। स्टे यहाँ पे हमारे लोकल लोगों ने ही अरेंज कर लिया था। उनका खाना भी बहुत अच्छा था और टेंट्स वगैरह सब उन्होंने प्रोवाइड किए थे। एंड ट्रिप जाने से एक दिन पहले मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था और सबको लगा था कि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और मैं चल नहीं पाऊँगी। बट मुझे मेरे ग्रुप के लोगों ने और गाइड ने सब ने बहुत इनकरेज किया कि भगवान की कृपा है तो आप डेफिनेटली चल पाओगे। और तब से लेकर अभी तक मैं बिल्कुल चल रही हूँ। पूरा ट्रिप अच्छे से मैंने चलाया और अभी तक भी मतलब इट्स गोइंग रियली वेल। सो आई थिंक सबको यहाँ आना चाहिए। सीनिक व्यू के साथ साथ एक स्पिरिचुअल आपको बहुत अच्छा फील होता है स्पिरिचुअली। सो आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट ट्रिप। थैंक यू। हम सारे मोहाली, चंडीगढ़, कुछ शिमला से, भाई साहब बनारस से आए हैं। हम सारे इकट्ठे मिलके एक ट्रिप पे आए हैं। यहाँ पे हमारा यहाँ पे स्टे बड़ा अच्छा था। बीच में स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ बहुत गर्मी थी, तेज़ धूप थी, लेकिन ऊपर जब नाला के पास मस्त वेदर था, बहुत ठंडी हवा थी। वहाँ पे हमने बॉनफायर के साथ कैंपिंग की और लोगों ने गिटार गिटू लेके आए थे अपने, एंड बहुत अच्छा सीनिक व्यू था वहाँ पे। और हमारा जो कैंप था वो बहुत अच्छी लोकेशन था, चारों तरफ पेड़ थे एंड सेंटर में एक हमारा बॉनफायर था। जो हमारा कैंप वाला बंदा था वो लोकल टैलेंट था यहाँ का, एंड उन्होंने हमारे साथ बहुत इन्जॉय किया। उन्होंने खुद गाने वगैरह गाए, हमारे खुद लिखे हुए गाने गाए हमारे लिए। और फिर जब हम ऊपर गए शिव जी की मूर्ति के पास, तो वहाँ पे बहुत हाइट थी, तो वहाँ का जो सीन था वो ये था कि सारा कुछ नीचे है और हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हैं। बादल ऐसे दिख रहे थे हमें जा रहे हैं। टाइमलेस बनाया हमने रास्ते में, बहुत अच्छा बना। और वापसी के रास्ते में हमने थोड़े अलग अलग रास्ते ट्राई किए, काफ़ी एडवेंचरस ट्रिप रहा। और बीच में एक बार हम खो भी गए, बट वापस हम आ गए ट्रैक पे। ऑल इन ऑल इट वाज वेरी गुड ट्रिप एंड वी एंजॉयड लॉट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।